अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर भी महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामियत की किताब तरबियाती निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 2 का सबक नंबर 4 हिफ्ज़ सूरा, जिसमें हम कुरान सूरतों को हिफ्ज़ करेंगे और याद करेंगे। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हिफ्ज़ सूरा से। आपको पहली सूरत दी गई है सूरह फातिहा, तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए सूरह फातिहा बिना तर्जुमा। हम तर्जुमे के साथ सूरह फातिहा को पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी कुरान सूरत पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ते हैं, पहले ताऊज़ पढ़ते हैं और तस्मिया पढ़ते हैं। आपको पता है ताऊज़ और तस्मिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं ताऊज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसे कहते हैं हम ताऊज़। अब पढ़ते हैं तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे कहते हैं तस्मिया। चलिए आप मेरे साथ पढ़िए सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु वइय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। यह है आपके पास स्टूडेंट सूरह फातिहा। आपको इसी तरीके से इस सूरह फातिहा को हिफ्ज करना है और याद करना है। चलिए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। ताऊस का तर्जुमा है, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ शैतान मर्दूद से। तस्मिया का तर्जुमा है, शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। तर्जुमा क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। इस तर्जुमे का मायने क्या है कि जितनी भी तारीफ़ें हैं वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए ही हैं, जो तमाम जहानों का क्या है, परवरदिगार है, जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। यानी कि जो सब पर मेहरबान है और बहुत मेहरबान है, अल्लाह जो है वो हर चीज़ पर मेहरबान है। जो रोज़ जज़ा का मालिक है, यानी कि जो रोज़ जज़ा का मालिक है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी से मदद मांगते हैं। यानी कि कहें कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं और तुझसे ही मदद मांगते रहेंगे। हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, यानी कि हमें जो है वो हमेशा सीधा राह दिखा, हमें गुमराही से बचा, हमें हमेशा सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया है, यानी कि उन लोगों के रास्ते पे हमें चला जिन लोगों पर तूने इनाम किया, यानी कि उन पर रहमत नाजिल फरमाई, जो लगे नेक बंदे उन लोगों के रास्ते पर जो है वो उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर गज़ब नाजिल किया, ना कि उन लोगों के रास्ते पर चला जो कि यानी कि गुनाहगार बंदे जिन पर उन्हें अपना गज़ब नाजिल किया है, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं, और ना उनके रास्ते पर चलाना जो लोग भटके हुए हैं, गुमराही का शिकार हैं, तो उनके रास्ते पर भी ये अल्लाह हमें नहीं चलाना। सो स्टूडेंट्स, तारुफ क्या है सूरह फातिहा का? कि सूरह फातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है और नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। यानी कि सूरह फातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है और नमाज की हर किताब हर रकात में जो है वो ये पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा में हर बीमारी से शिफा, यानी कि सूरह फातिहा के इतने फ़वाद हैं कि बेशुमार। सूरह फातिहा जो है वो हर बीमारी से शिफा हासिल होती है सूरह फातिहा पढ़ने से। इस सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है और फिर अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ मांगी गई है। लिहाजा इस सूरत को नमाज में और वैसे भी खूब ध्यान से और दिल लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा दे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बीमा तरफ़ जो है वो सूरह फातिहा जो है पढ़ना आ गई होगी और आप इसका तर्जुमा को भी समझ गए होंगे और इसका तारुफ भी समझ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इस सबक की मश्क को हल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।